आखिर सास ससुर वाली हूँ। नीलिमा के फ़ोन की घंटी बज रही है। अरे नीलू कहाँ हो, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, ज़ोर से आवाज़ लगाते हुए पति नीलेश ने कहा। रसोई में खाने की तैयारी में जुटी नीलिमा ने वहीं से कहा, किसका कॉल है, बस इतना कहना भर था। और घर में कलह का माहौल बन गया। कॉल किसका था? यह कॉल था नीलिमा की सास यानी नीलेश की माँ का। आखिर क्या वजह रही होगी कॉल आने पर घर में कलह होने की? वजह थी नीलिमा ने अपने फ़ोन में नीलेश की माँ का नंबर, जो पहले मम्मी जी से सेफ था, की जगह सास कर दिया था। और आज जब अचानक से यह कॉल नीलेश ने देखा तो वह नीलिमा पर भड़क गया। उसे अनाप शनाप बोलने लगा। क्या वजह थी कि नीलिमा ने जो नंबर पहले मम्मी जी से सेव कर रखा था कि जगह सास के नाम से सेव कर दिया? वजह था खुद नीलेश। 10 वर्ष की शादी में नीलेश कभी अपने सास ससुर व साले साली को वह मान नहीं दे पाया जो वह खुद नीलिमा ने अपने घर वालों के लिए चाहता था। यहाँ तक कि उसने अपने सास ससुर का नंबर मम्मी पापा या सासू माँ या ससुर जी की जगह सास ससुर व साले जैसे शब्दों का उपयोग कर सेव कर रखे थे। कई बार नीलिमा के सामने कॉल आने पर भी वह कहता ससुर इज कॉलिंग, सासू इज कॉलिंग। यह बात नीलिमा को अंदर ही अंदर चुभ रही थी। वह कई बार नीलेश से इस बारे में बात भी कर चुकी थी तो नीलेश हर बार यही कहता, सही तो सेफ कर रखा है, वह मेरे सास ससुर ही तो हैं। और नीलिमा बात को ना बढ़ाते हुए हर बार दुखी मन से चुप हो जाती। लेकिन कुछ दिन पहले नीलिमा को पता नहीं था क्या सूझी, उसने भी एक तरकीब लगाई। अपने फ़ोन में सास ससुर ननद जैसे शब्दों का उपयोग कर सभी ससुराल वालों के नंबर सेव कर दिए जो पहले मम्मी जी पापा जी और दीदी के नाम से सेव थे। इस बारे में नीलेश को आज माँ का कॉल आने पर जब वह शहर से बाहर गई हुई थी ही पता चला। घर में कलह हो चुका था पर नीलिमा का अभी भी यही सवाल था कि जब आप मेरे माता पिता के नंबर सास ससुर से सेव कर संबोधन कर सकते हैं तो आज मेरे वही काम करने पर इतना क्रोध व नाराज़गी क्यों? इस बात का उत्तर नीलेश के पास नहीं था। आखिर कहता भी तो क्या बात सटीक व सरल थी, जो बात नीलिमा इतने वर्षों में शब्दों व प्यार से नहीं समझा सकी वह आज उसकी इस तरकीब ने अपने आप चंद मिनटों में ही नीलेश को सरल तरीके से समझा दी। नीलेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने सभी ससुराल वालों के नंबर सही संबोधन से सेव कर दिए। दोस्तों कहानी में तो नीलेश ने अपनी गलती सुधार ली पर क्या हकीकत में ऐसा होता है? शायद बहुत मुश्किल से। यह विषय यह नहीं कि नीलिमा ओवर रिएक्ट कर रही थी या नीलेश गलत था, यह विषय सोच का है। आखिर यह सोच क्यों नहीं हम डेवलप कर पाते हैं हमारे समाज व परिवार में कि जो रिश्ते व रिश्तों के मायने हम एक बहू व पत्नी के से उम्मीद करते हैं वही रिश्तों के मायने हम एक दामाद व बेटे से क्यों नहीं उम्मीद कर पाते? और क्यों हम अपने बेटों को यह संस्कार नहीं दे पाते हैं कि वह अपनी पत्नी के मायके वालों का भी उतना ही सम्मान करें जितना सम्मान वह अपने घर वालों का अपनी पत्नी से चाहता है? आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।